जय भीम दोस्तों, आज हम हैं VFS स्टूडियो में मेरठ में, और हमारे साथ है स्टूडियो के ओनर पंकज शर्मा जी और सिंगर रोहित सिरोही जी और आसू जी म्यूजिक डायरेक्टर। आप लोगों के सहयोग से एक बाबा साहब के नाम गाने पर काम चल रहा है और उसमें रात दिन लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, और इससे पहले भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला। जो हमने एक सॉन्ग बनाया था जय भीम से जलने वालों, सुन लो जीत हमारी होगी, और उसके बाद हमने एक निर्णय लिया कि इसी प्रकार समय समय पर हम गाने बनाते रहेंगे और चैनल के माध्यम से, बहुजन हलचल चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और आज हमें काफ़ी खुशी हुई कि आप दर्शकों का हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पंकज शर्मा जी एक वह डायरेक्टर है जो जाति वाद का विरोध करते हैं और जाति तोड़ने का इनका एक संकल्प है, और इसीलिए जो आज हमारे साथ बैठे एक भाईचारा लेकर रोहित सिरोही जी। तो रोहित सिरोही जी से हम स्टार्ट करेंगे। रोहित सिरोही जी को आप जानते हैं क्योंकि चैनल पे पहले भी आते रहते हैं। जी रोहित जी, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, जैसे कि आप एक गाने पर काम कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। पहली बात तो ये कि हमें गाने पे काम नहीं कर रहा है, एक मुहिम पे काम कर रहे हैं हम लोग, और हमें दिखाना है कि कुछ नहीं है, सब एक है और एक होकर रहना है। और ट्रू यही है बस हमारा जो मकसद है कि एक होकर दिखाना है, एक ही है, और जो चल रहा है जो सच्चाई है वो दुनिया की नजर बनानी है। जी, जाति पात तो हम तुम बनाई, हम लोगों ने बनाई है, बाकी आप सबको पता है क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है क्या गलत है। जी, इतना ही है कि हमारा सिर्फ एक मुहिम पे काम चल रहा है। मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं और आशु जी हैं हमारे साथ में, तो यही है हमारा कि हमें सिर्फ एक मुहिम पे काम करना है आपके साथ में। उमेश जी, आपका सहयोग है हमारे साथ में और आपने हमें इस काबिल समझा, तभी हम आपके साथ में हैं, और आज इसीलिए हमारी ये मुहिम कामयाब हो रही है। जी, अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में जो लोग नहीं जानते थे कि क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ जान जाएंगे। जी, गाने का सिर्फ एक माध्यम है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये सिर्फ एक है कि हम लोग एक होकर रहें, एकजुट होकर रहें। जी, क्योंकि बिखेरने के लिए तो कोई भी आकर हम बिखेर देगा, कोई भी भड़का देगा कि ये गलत है ये गलत है, मगर एक मुट्ठी होने के लिए वही बताएगा जो हमारे बीच में है, जो समाज को देखता है, जो इंसानियत जिसके अंदर है। अब हम बात करेंगे मिस्टर पंकज जी से। पंकज जी, आप बताइए जो ये गाने पर मुहिम पर काम चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कुछ टाइम पहले उमेश भाई से मिला था, तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक जो जिस को लेके कहने में लोग बागों की सोच जो है वो अलग थी, जिस समाज को लेके, ठीक उस समाज को आगे लाने के लिए उमेश भाई काम कर रहे हैं। और दूसरी, हमारा जो मोटिव है वो एकता का मोटिव है, ना कि कुछ भेदभाव का, और अब से पहले बहुत भेदभाव चलता हुआ आया है, तो उसी को लेके मुझे मेरे को सजेशन दिया था उमेश भाई ने कि इस तरीके के सॉन्ग बना के, और एक कला है जिसके थ्रू हम अपने आप को, अपने थॉट्स को दूसरों के, दूसरे लोगों के पास में पहुंचा सकते हैं। जी, तो पहले हमने सॉन्ग पे काम किया था, आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, और अभी दूसरे सॉन्ग पे वर्क चल रहा है, जल्दी ही आप सब लोगों के सामने होगा। जी, और उसको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा। जी जी, पंकज जी ने बताया कि जो गाने पर काम चल रहा है इस बार, और इसमें कोशिश है पूरी कि बहुत ही अच्छा इस गाने को बनाया जाएगा, और मेहनत भी पूरी चल रही है। और अब हम बात करते हैं अगली कड़ी में आसू जी से। जी आसू जी, आप इसमें म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक आप बनाते हो, बहुत अच्छा म्यूजिक हमने सुना भी है, डेमो देखा है, काफ़ी अच्छा लगा म्यूजिक। तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपको कैसा लग रहा है, शायद आप पहली बार ऐसे गाने पर काम कर रहे हैं, जी बताइए आप। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम एक सॉन्ग किया था बाबा साहेब के ऊपर ही, और उसी तरीके से मैंने ये वाला सॉन्ग में भी मैं पूरे दिलोजान से मेहनत करके लगा हुआ हूँ कि इस सॉन्ग को आप लोगों तक पहुँचाऊँ और अच्छे से अच्छा पहुँचा सकूँ। इसलिए आप सब लोग प्लीज इस सॉन्ग को लाइक कीजिए और अच्छा सा व्यू दीजिए आप लोग इस सॉन्ग। जी, थैंक यू। जी, हमारे साथ थे सिंगर रोहित सिरोही, वह स्टूडियो ओनर पंकज शर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर आसू जी, जिनसे बात हुई गाने को लेकर, और बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने गाना प्रस्तुत किया जाएगा।
वहीं हम आपको याद दिला देते हैं कि संविधान का आर्टिकल 25, जिसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हम भाईचारा लेकर चल रहे हैं, जिसमें तमाम वर्गों के, तमाम जातियों के लोग हमारा साथ देते हैं। हम यह गाना नहीं, एक मुहिम पर काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि जातिवाद का खात्मा करना। सभी वर्गों को स्वतंत्रता है किसी भी धर्म में आस्था रखने की या किसी को भी मानने की या ना मानने की। इसलिए हम किसी पर थोपना नहीं चाहते कि कोई हमारे हिसाब से चले या हम किसी के हिसाब से चले। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।